हेलो दोस्तों, आज इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की एक और प्रैक्टिकल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है उसमें एक टाइमर लगा हुआ होता है। तो कभी क्या होता है, हमारी स्ट्रीट लाइट का जो टाइमर है वो गड़बड़ हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो स्ट्रीट लाइट है वो देर रात में जलती है और हमारी सुबह टाइम तक जलती रहती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जो टाइमर होता है उसमें टाइम को कैसे सेट किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार की और प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइमर है जो देखने में बिल्कुल घड़ी के समान होता है और इसमें हमारे जो टाइम है वो 24 आवर होता है और जिसमें जो हमारी एक पिन होती है, जो हमारी बहुत सारी पिन दिखाई दे रही हैं, वो हमारी 15 मिनट की होती है। अगर हमें कभी भी इसमें टाइम सेट करना है तो हम इसमें 15 मिनट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें 15 मिनट करना है तो हम एक पिन को ऊपर कर देंगे या नीचे कर देंगे, इससे हमारा टाइम कम या ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें हमारे दो पॉइंट होते हैं एन ओ एन सी, जो आउटपुट के लिए। अगर जो हमारी पिन अंदर होती है तो एक पॉइंट में सप्लाई जाती है और हमारी जो पिन ऊपर होती है तब दूसरे पॉइंट में सप्लाई जाती है। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे टाइम सेट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं जहाँ पर हमारा स्ट्रीट लाइट का टाइमर लगा हुआ है। यही हमारा गड़बड़ है, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो लाइट है वो देर रात में जल रही है और सुबह टाइम तक जलती रहती है। ये बॉक्स है, इसके अंदर हमारा टाइमर लगा हुआ है, तो हम इसको खोल लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे टाइम सेट किया जाता है। एक चीज़ याद रखें, इसको हमें सेफ्टी के साथ खोलना है क्योंकि इसमें हमारी जो 3 फेज सप्लाई है वो आ रही है। तो याद रखें, हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो हमारे 3 फेज सप्लाई जो है उसके किसी भी कॉन्टेक्ट से टच ना हो। अगर हमारा कोई भी बॉडी पार्ट टच होगा तो उससे हमें जोर का शॉक लग सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉन्टेक्टर है, वहाँ पर जो वायर आ रही है, ये हमारी 3 फेज सप्लाई आ रही है, तो इससे हमें दूर रहना है क्योंकि ये अभी भी सप्लाई आ रही है। और ये हमारा टाइमर है, इसको हमें सेट करना है। इसमें हमारा टाइम जो है वो सही नहीं है, तो हमें इसी को सेट करना है। तो इसको हम आराम से घुमाएंगे, इसको हम हाथ से भी घुमा सकते हैं जो हम अभी टेस्टर से घुमा रहे हैं। और जो हमारा जो एरो दिखाई दे रहा है इस पर, ये हमारा प्रेजेंट टाइम होता है। जब भी हम जैसे घड़ी को सेट कर रहे हैं तो उस टाइम जितना टाइम हो रहा है, रियल टाइम जो जितना हो रहा है उस टाइम को सेट कर देंगे। जैसे अभी हमारा 9:45 टाइम हो रहा है जब हम सेट कर रहे हैं, तो ये हमारा घड़ी में भी हमें 9:45 बजाना चाहिए। तो हमने जैसे घड़ी में 9:45 बजा दिया है, ये हमारी घड़ी सेट हो गई है, टाइम बिल्कुल सही सेट हो गया है। दोस्तों, अब ध्यान देने वाली क्या बात है, जो हमारी इसमें घड़ी में बहुत सारी पिन दिखाई दे रही हैं, इसी पर डिपेंड होता है कि हमारी जो लाइट है वो कब ऑन होगी कब ऑफ होगी। जो हमारी पिन है, जिस समय पर हमारी पिन नीचे की साइड रहेंगी अंदर की साइड, तब हमारी स्ट्रीट लाइट बंद रहेगी, और जिस समय पर जो हमारी पिन है वो ऊपर पहुँच जाएंगी, ऊपर की साइड आ जाएंगी, उस समय पर हमारी लाइट है जो ऑन रहेगी। देखिए दोस्तों, जो आपको पिन दिखाई दे रही हैं वो हमारे सुबह के 5:30 बजे नीचे जाना शुरू हो रही है और हमारे शाम के 7 बजे तक नीचे रह रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी स्ट्रीट लाइट है वो इतने समय तक हमारी बंद रहेगी, और जैसे ही हमारी पिन जो है वो शाम के 7 बजे ऑन हो रही है, ऊपर की साइड हो रही है, और वह हमारे 5:30 बजे तक सुबह के ऑन रह रही है, तो इसका मतलब है इस समय तक हमारी जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन रहेगी। तो जैसे ही हमारी घड़ी घूमते घूमते जो एरो के पास जो पिन है हमारी है वो ऊपर आ जाएगी, तो हमारी स्ट्रीट लाइट जो है ऑन हो जाएगी। जो हमारी घड़ी है वो सेकंड के हिसाब से ही चलती है, तो टाइम के बराबर चलती रहेगी, और जैसे ही हमारा टाइम 7 बजेगा और जो पिन हमारी ऊपर है वहाँ पर, तो उस समय पर हमारी जो स्ट्रीट लाइट है वो ऑन हो जाएगी। और फिर जैसे ही हमारी घड़ी चलते चलते जैसे चलते रहेगी, तो चलते चलते जब हमारी जो पिन है वो एरो के सामने नीचे आ जाएगी, उस समय पर जो हमारी लाइट है वो बंद हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारी जो घड़ी है वर्क करती है, और पिन पे ही डिपेंड होता है कि हमें कब स्ट्रीट लाइट को ऑन कराना है कब ऑफ़ कराना है। अगर हमें किसी लाइट को 15 मिनट ऑन कराना है और 15 मिनट ऑफ़ कराना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइमर की पिन है उसको एक को नीचे करेंगे एक को ऊपर करेंगे। तो इसी प्रकार हम सभी पिन को एक ऊपर एक नीचे कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी जो लाइट है वो 15 मिनट बंद रहेगी और 15 मिनट बाद ऑन हो जाएगी।